अमरनाथ यात्रा है किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा ही अमरनाथ यात्रा का जो है पूरी तरह से जो जेके पुलिस ने सुरक्षा के पूर्णतया प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, जहाँ नेशनल हाईवे पे लेकर के जहाँ तक लंगर की व्यवस्था की गई है, इनके अकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है, वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, ट्रांसपोर्ट्स की गई है, तो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अमरनाथ यात्रा को बड़े स्मूथ और करने के लिए पूरी तरीके से पूर्णतया व्यवस्था की। आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं कि कहीं बड़े धमकी भरे पत्र भी मिल रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वो सिक्योरिटी वाले जो हैं वो पुलिस बताएगी आपको, लंगर वाले जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, तो इसको लेकर कोई उनके साथ बातचीत? ऐसा कोई इश्यू हमारे सामने नहीं आया कि लंगर वाले नाराज चल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, हम डेली उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं, ऐसा किसी तरह का इश्यू हमारे पास। देशवासियों को क्या संदेश देंगे अमरनाथ? देशवासियों को ये है कि वो आराम से आए, यहाँ पर सुरक्षा के पूर्णतया प्रबंध किए गए हैं, पूरी तरह फैसिलिटीज रखी गई है, अमरनाथ यात्रा पूर्णतया बड़े ही आरामदायी तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार प्रशासन उसको कंडक्ट कर रहा है। धन्यवाद सर। इस समय आप डिवकॉम जम्मू को सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना था बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा पर। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो कड़े प्रबंध किए गए हैं और आपको चिंता ना हो, श्रद्धालु जो है वो 30 जून को जो शुरुआत होने वाली बाबा बर्फानी जी की यात्रा जो है आप सकुशल जो है यहाँ पर आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, इनका साफ तौर पर कहना था। तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।